साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल ईजी स्टडी फार्मेसी पे डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से किसी तरह से कैरियर के संबंधित क्वेश्चन करते हैं या क्वेरी करते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा और बी फार्मा से संबंधित, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, इसी तरह से बी फार्मा के जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, पहले बी फार्मा की ट्रेनिंग जो है हॉस्पिटल में नहीं होती थी, इंडस्ट्री की सिर्फ होती थी। अभी क्या है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने कंपलसरी कर दिया है कि थर्ड ईयर में जो है, क्या कहते हैं, सेमेस्टर में जो है उसका 45 डेज का, कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या होता है कि 30 डेज का जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग जो है कराते हैं। तो वो जो बच्चे आते हैं, मैं उनको जो है ट्रेनिंग देता हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर, मैंने बी फार्मा 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिया है, मतलब 8वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो आई थिंक 4th ईयर में वो, मतलब लास्ट ईयर में है, और मैं आपके सुपरविजन में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। विद्यार्थी ने कहा है कि प्लीज़ गाइड मी, सजेस्ट मी सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दीजिए। साथियों, विद्यार्थी जो है हमारा YouTube देख के जो है क्वेश्चन किया है और वो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। साथियों, हमारे यहाँ जब तक सीट रहती है, कोई भी विद्यार्थी आता है, हम किसी को मना नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से विद्यार्थी आए हैं, ये देखिए इस तरह से। साथियों, इसमें आयुष है, ये सुफियान करके हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। साथियों, ये गुफरान है, बहुत से हैं, विवेक कुमार द्विवेदी है। साथियों, और ये जो है महर्षि यूनिवर्सिटी से विनय कुमार वर्मा। साथियों, दीपक कुमार, इस तरह से बहुत से विद्यार्थी आते हैं। तो साथियों, मैं उनको जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग देता हूँ, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो है करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, साथियों हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप क्वेश्चन करके तो मैं आंसर देता हूँ। अदरवाइज हमारा फेसबुक पे पेज है साथियों, ईजी स्टडी फार्मेसी, आप वहाँ से भी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों, डी फार्मा की जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है साथियों, वो जो है 3 मंथ की होती है। साथियों, कहने का मतलब है 500 आवर्स की होती है, और उसमें क्या होता है कि साथियों शिफ्ट में अलग अलग ड्यूटी लगती है, तो उसमें क्या होता है हर तरह का हम जो है काम जो है सिखाते हैं। जैसे कि जितनी भी हमारे यहाँ ओपीडी हैं, उसमें जैसे 2 ओपीडी में जो है मेडिसिन बढ़ती हैं। जैसे कि हमारा बहुत पहले जो है टीबी अस्पताल था साथियों, तो उसमें क्या होता था, टीबी चेस्ट के जो मरीज आते हैं, रेस्पिरेटरी से संबंधित फेफड़े से ग्रसित बीमार मरीज जो आते हैं, तो उनको जो वहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं, उसकी अलग फार्मेसी है। साथियों, जनरल फार्मेसी है, जिसमें जो है डेंटिस्ट बैठते हैं, आई के डॉक्टर बैठते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है साथियों क्या कहते हैं कि गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं साथियों, और जो है मेडिसिन के डॉक्टर बैठते हैं। सभी लोग जो है क्या करते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, और उस मेडिसिन का जो है वितरण और रख रखाव और मरीज को डोज बताने का काम फार्मासिस्ट का है। तो मेन ओपीडी में जो है साथियों फार्मासिस्ट जो है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी के साथ विद्यार्थी ट्रेनिंग करते हैं, और उनको मेडिसिन का यूज और वो कितने टाइम देनी है और उसका जो है क्या करते हैं मतलब उपयोग क्या है, सभी कुछ हम जो है विद्यार्थी को बताते हैं। साथियों, उसी तरह से इमरजेंसी ड्यूटीज भी लगती हैं, जिसमें 3 शिफ्ट हैं साथियों, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट। उसमें किसी तरह का मरीज आता है, जैसे स्नेक बाइट आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्नेक बाइट आता है, सांप काट लिया, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। फार्मासिस्ट की ड्यूटी हमेशा डॉक्टर के साथ रहती है, रजिस्टर पे एंट्री करके उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट ही देता है। उसके बाद जब वार्ड में शिफ्ट होता है साथियों, तब वहाँ पे नर्सिंग केयर उसको मिलती है जब बीएसटी भर जाती है। साथियों, एक्सीडेंटल केस है, हैंगिंग केस है, मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित होती है, जो भी FIR हो जाती है, FIR के बाद पुलिस उनको लेके आती है मेडिकल के लिए, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है डॉक्टर के साथ उसकी जो है कहाँ पे चोट है, क्या है, सभी कुछ लिखना, इस तरह से जो है वो भी ड्यूटी हम करते हैं। साथियों, प्लास्टर रूम है, वहाँ पे प्लास्टर कैसे चढ़ता है, डॉक्टर के साथ जो है ड्यूटी रहती है, एक्सरे में देखते हैं कहाँ पे हड्डी जो है ब्रेक है, बोन डैमेज है, कैसे उसको प्लास्टर होगा,
कितने टाइम के लिए होता है, सभी कुछ हम जो है सिखवाते हैं। उसी तरह से साथियों इंजेक्शन रूम है, इंजेक्शन रूम में कितने टाइप के इंजेक्शन है एंड व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से दवाई इंजेक्शन लगता है, आईएम है, आईवी है, सबकुटेनियस है, रेबीज कैसे लगेगा, टिटनेस कैसे लगेगा, सभी कुछ हम बताते हैं। तो साथियों फाइनली क्या होता है कि पैथोलॉजी में भी हम ड्यूटी लगाते हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल कैसे लेना है। कहने का मतलब है कि हम फार्मासिस्ट को मेडिसिन के साथ साथ जितनी भी तरह की मतलब हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है, जैसे कि नर्सिंग केयर होती है, वो भी जो है फार्मासिस्ट को आती है। और उससे क्या होता है कि हमारे फार्मासिस्ट आसानी से जॉब जो है पा जाते हैं। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है, नहीं लग रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें फार्मासिस्ट की जॉब है, जैसे कि मेदांता है, रिवांता है, सहारा हॉस्पिटल है, अपोलो है, सभी जगह हमारे विद्यार्थी जो है जॉब करते हैं। तो साथियों मैं यही विद्यार्थी से कहूंगा कि आप हमारा नंबर जो है मैं कमेंट कर दूंगा, उससे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा फेसबुक जो है पेज भी लाइक कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी तरह की क्वेरी करेंगे मैं आंसर उसका जरूर दूंगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।